दोस्तों इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ एचएस कोड के बारे में। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करवाना चाहते हैं तो एचएस कोड के बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है एचएस कोड, कहाँ यूज़ होता है एक इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को, कितनी ज़रूरत है एचएस कोड की, क्या उसके बिना इम्पोर्ट हो सकता है या एक्सपोर्ट हो सकता है, ये सारी हम डिटेलिंग में इस वीडियो में बात करेंगे। मैं हर्ष धवन, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर, स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। इससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि हमारी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टेट वाइज ऑफलाइन और ऑनलाइन चलती है, जहाँ पे हम प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट को स्टेप बाय स्टेप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सिखाते हैं। कौन से लाइसेंस लगेंगे, डॉक्यूमेंटेशन इसका कैसे तैयार होगा, बायर कैसे मिलेगा, प्रोडक्ट सेलेक्शन जो हमारी USP है, हम आपको ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं जिसमें 100% से लेकर 200% या उससे ज़्यादा भी मार्जिन हो। तो नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। ऑलरेडी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो कौन सी कंट्री में आपको अपना प्रोडक्ट बेचना चाहिए, कौन सी कंट्री से सस्ता मिलेगा, कैसे कंट्री को टारगेट करना है, सप्लायर जेन्युइन है या नहीं, बैंकिंग कैसे करनी है, पेमेंट टर्म कौन सी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग में आपको सिखाते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पे आज ही कॉल करके रजिस्ट्रेशन कराएं। चलिए बात करते हैं एचएस कोड। सबसे पहले एचएस कोड है क्या? एचएस कोड की फुल फॉर्म है हार्मोनाइज्ड सिस्टम कोड। ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है जो कि गुड्स को क्लासिफाइड करता है, यानी अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो एक तरीके से मान के चलिए हर प्रोडक्ट का एक कोड दे दिया गया है, जो कि कस्टम अथॉरिटी चाहे वो पूरे विश्व की हो आइडेंटिफाई करती है कि गुड्स जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं उस पे ड्यूटी कितनी लगती है, कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी ऐसे गुड्स पे। एक बात बताइए, गुड्स हैं, हर देश में भाषा भी अलग है, तो हर भाषा के अकॉर्डिंगली, हर देश के अकॉर्डिंगली गुड्स का नाम भी तो अलग हो सकता है। सपोज करिए मैं इंडिया में रहता हूँ, मैं इंडिया में एक प्रोडक्ट को चेयर बोलता हूँ, हो सकता है उनकी लैंग्वेज में कुछ और बोला जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बार बार बताऊँगा कि भाई हम टॉफ़ी बोलते हैं, बाहर के देश में कैंडी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं, जैसे ट्राउज़र है, पैंट्स है तो मतलब एक ही ना, लेकिन कुछ देशों में ट्राउज़र बोला जाता है, कुछ देशों में पैंट्स बोला जाता है। अब इससे क्या होता है कि जब मैं किसी बायर या सप्लायर से डील कर रहा हूँ और उस देश में उस प्रोडक्ट को किसी और नाम से बोला जाता है, तो दोनों में डील क्रैक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसीलिए पूरे विश्व में हर प्रोडक्ट का एक कोड तैयार कर दिया गया। जब आप बायर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसका कोड भी डाल के दे दीजिए, ताकि बायर को समझ आ जाए कि आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इससे क्या होता है, डील इजीली क्रैक हो जाती है। तो पूरे विश्व में ये हर प्रोडक्ट का एक कोड दे दिया गया। ये पूरे कोड किसने डेवलप किए हैं, ये पूरा कोड वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किए हैं। अब सबसे पहली चीज हम ये भी मानते हैं, ये यूज कहां कहां होता। जहां तक हमने बात की तो देखिए, अगर कस्टम ने ये पूरे कोड डिफाइन किए हैं तो सबसे पहला यूज तो कस्टम क्लियरेंस में ही होगा। अब इस इन कोड से कस्टम्स को ये पता लग जाता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हमारे देश में या उनके देश में इंपोर्ट हो रहा है उसकी कस्टम ड्यूटी कितनी है। इस कोड से ये भी पता लग जाता है कि कहीं कोई प्रोडक्ट प्रोहाइबिटेड तो नहीं है, कहीं किसी प्रोडक्ट को बैन तो नहीं कर रखा, कहीं ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड तो नहीं है। तो इजीली जो पूरा कस्टम है ये ऑब्जर्व कर लेता है सिर्फ और सिर्फ एक कोड की हेल्प से। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है इसको कस्टम क्लियरेंस में। उसके बाद क्या है कि गवर्नमेंट ने अगर किसी देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है तो ऑलरेडी उनको पता लग जाता है कि भाई सपोज करो हमने XYZ किसी कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, हमने बोला भाई आप जो है हम आपसे माल लेंगे और कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे, उनको भी बोला कि आप अपनी कंट्री में हमसे माल लीजिए और कस्टम ड्यूटी चार्ज नहीं करिए। अब प्रोडक्ट की इतनी बड़ी लिस्ट निकलेगी, कितना टाइपिंग में दिक्कत होगी और कहीं कोई एरर जनरेट हो गई। अब क्या होता है, जब प्रोडक्ट की लिस्ट जारी हो जाती है, उसके एचएस कोड की लिस्ट जारी हो जाती है, तो जब हमारे देश में वो प्रोडक्ट आता है और कस्टम जो वो कोड डालती है तो उनको पता लग जाता है भैया ये प्रोडक्ट तो ड्यूटी फ्री है, ये प्रोडक्ट तो ट्रेड एग्रीमेंट के अंडर आता है। ये एचएस कोड हेल्प करता है प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने। हम कहते हैं गारमेंट्स, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हर कहते हैं गारमेंट्स,
गारमेंट्स है, अब गारमेंट्स में कौन सा कपड़ा यूज हो रहा है? गारमेंट्स में कॉटन भी है, गारमेंट्स में सिल्क भी है, सैटन भी है। सिर्फ गारमेंट्स नहीं है ना, तो प्रोडक्ट की रेंज अलग अलग है, प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग है, तो प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली, प्रोडक्ट की रेंज के अकॉर्डिंगली एचएस कोड भी तो अलग अलग होने चाहिए। भाई सिल्क का रेट अलग होगा, कॉटन का रेट अलग होगा, लिनन का रेट अलग होगा, समझ आया? तो इसीलिए ये एक प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी करता है। इसके बाद एक बिजनेसमैन का क्या फायदा है? एक बिजनेसमैन और कस्टम्स के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बन जाती है। देखो जी, ये प्रोडक्ट है, मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं कर रहा, ये प्रोडक्ट है, इसका कोड है, आप अपने सॉफ्टवेयर में चेक कर लो। ऐसे ही कस्टम भी बोलते, देखो जी ये प्रोडक्ट है, इसका ये कोड है, आपको इस कोड पे के ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर इतनी कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। तो एक बिजनेसमैन और कस्टम के बीच में ये एरर को भी खत्म कर देगा। तो इन शॉर्ट एक चीज़ मान के चलिए, एचएस कोड जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैक्सिमम 6 डिजिट का होता है, कुछ देशों में 10 डिजिट का भी जा सकता है। जो पहले के 6 डिजिट होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इम्पोर्ट करा रहे हैं, तो आपको इस एचएस कोड के बारे में पता होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमसे पूछिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। We'll be right back.